हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, गुड आफ्टरनून, गुड डे टू यू। आप लोग सब स्वस्थ रहे, सेफ रहे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैं देखिए लिख रहा हूँ आपके सामने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सवाल उठता है, अभी ये चीज़ क्या है, इसके बारे में समझते हैं। आपने काफ़ी सुना होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, हाइब्रिड, स्मार्ट, ऐसे ऐसे आपने शब्द सुने होंगे। अब इनका मतलब क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा समझते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या कहती है। इट्स एन इंटरकनेक्शन, आपस में जुड़ाव किसका, किनके बीच, ऑफ कंप्यूटिंग ऑब्जेक्ट, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूट करती है, संगणना करती हैं, संगणना, ठीक है। हम जैसे हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं तो, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहते हैं तो संगणक अभियांत्रिकी, ठीक है। तो कंप्यूटर डिवाइसेस जो गणना करना चाहती है, संगणना करना चाहती हैं, उन डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन। और वो डिवाइसेस कहाँ पर होंगी, एम्बेडेड होंगी। एम्बेडेड मतलब उनका जुड़ाव होगा, वो अंदरूनी इंटरनली जुड़ी हुई होंगी किन से, विद एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली चीज़ें, आप जो रोज़ इस्तेमाल करते हैं, AC, पंखा, लाइट, चेयर, इवन ये अगर आप पेन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए, वो सब चीज़ आपकी कंप्यूटर डिवाइसेस से जुड़ जाएं और वो कनेक्शन हो जाए, इंटरकनेक्शन हो जाए उनका। और वो इंटरकनेक्शन किसके थ्रू होगा, वाया इंटरनेट। बिना इंटरनेट का तो काम ही नहीं होना। तो एम्बेडेड विद एवरीडे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ओके। एक और चीज है इसके साथ, एबल टू सेंड एंड रिसीव। सेंड और रिसीव करना चाहते हैं क्या, रिसीव, सेंड और रिसीव क्या करना जाने, क्या आना चाहिए उनको, डेटा। आज की डेट में डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इसकी परिभाषा है आपके सामने। आप लोग का आई थिंक समझ आ गया, तो बताइए। इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। तब तक हम इसकी कहानी देखते हैं, थिंग्स क्या बला है। थिंग्स चार चीज़ों से बनता है, गिनती की चार चीज़ें। पहली चीज़ हार्डवेयर। आप इस समय, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप अपने शायद लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में इसको देख रहे हैं, हार्डवेयर आ गया। सॉफ्टवेयर, मैं किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप YouTube या Facebook या रिकॉर्ड करके किसी VLC वीडियो प्लेयर या कोई और चीज़ का इस्तेमाल करके किसी सॉफ्टवेयर, किसी ऐप के थ्रू आप देख रहे हैं इसको, सॉफ्टवेयर आ गया। डेटा, आपने 4G कनेक्शन लिया होगा, कुछ डेटा लिया होगा, कुछ रिचार्ज किया होगा, उस डेटा का आप देख रहे हैं, प्लस उस डेटा से मिलने वाली सर्विस। आपको 4G सर्विस मिल रही है, वाईफाई सर्विस मिल रही है, ब्रॉडबैंड मिल रहा है, फाइबर नेट मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिलाकर क्या कहलाई जाती है, थिंग्स। और ये थिंग्स कनेक्ट किससे होती हैं, हमारे रोज़मर्रा में आने वाली चीज़ें, हमारे ज़िंदगी में जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में जो इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ अगर ये थिंग्स कनेक्ट हो और वो थिंग्स मेरा इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ाव रहें, तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों को आराम से दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके हम 5 पहलू देखेंगे, 5 फीचर्स के बारे में देखते हैं। वो फीचर्स क्या हैं, फीचर्स। पहला फीचर, कोई भी, आप, मैं, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, anyone। सेकेंड, कभी भी, anytime। तीसरा, कभी भी, कभी भी, कभी भी और कहीं भी, anywhere। कोई भी,
कभी भी और कहीं भी, ये तीन चीज़ें तो आ गई। चौथी चीज़ आ गई एनी सर्विस, किसी भी सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूँ तो आप पढ़ाने के लिए IoT का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे टेम्परेचर देखना है या कुछ किसी निष्कर्ष पे पहुँचना है कि भाई मेरा अगर AC इस तरफ कनेक्टेड है तो इधर हवा ज़्यादा है उधर हवा ज़्यादा है, किधर ज़्यादा लोग बैठे, अपने आप AC मेरा काम करे। जैसे आप लोगों ने ऐड देखा होगा कि हिटाची का ऐड देखा होगा आपने, उसमें बताया गया कि भाई आप क्यों पापा एडजस्ट करते हैं, AC एडजस्ट करेगा ना कितने लोग बैठे। तो ये सारी चीज़ आपकी एनी सर्विस। और पांचवी और आखिरी चीज आती है एनी सर्विस। हाँ, पांचवी चीज़ हम अब देखो, हमने चार चीज़ें देख ली, पांचवी की बात करके देखते हैं कि वो किस तरह से बात करता है। आप 4G से कनेक्टेड हैं, Wi-Fi से कनेक्टेड है, मैंने पहले कहा एनी नेटवर्क। अगर मेरे थिंग्स कुछ 4G से कनेक्ट हैं, कुछ ब्लूटूथ से कनेक्ट है, कुछ इंफ्रारेड से कनेक्ट है, इंफ्रारेड का एग्जांपल आपका टीवी रिमोट, आप टीवी रिमोट से आप टीवी अपना चालू या बंद करते हैं, चैनल चेंज करते हैं, कई चीज़ें करते हैं आप, ठीक है, ये सारा आपका कनेक्शन आपका IR का इंटरनेट इंफ्रारेड का कनेक्शन, ब्लूटूथ, ये सब नेटवर्किंग है, Wi-Fi, किसी भी चीज़ से अगर कोई कनेक्ट हो रहा है, और ये पांचों चीज़ें अगर हैं, ये फीचर अगर किसी नेटवर्क में कोई भी कहीं भी कभी भी किसी भी सर्विस के लिए और किसी भी नेटवर्क पे अगर कनेक्ट हो पा रहा है तो वो नेटवर्क क्या कहलाता है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप लोगों को अब काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या बात कह रहा है। तो इसके हमने परिभाषा जानी, थिंग्स के बारे में जाना, थिंग्स हमारे चार चीज़ें बनी हुई थी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, सर्विस। और फीचर्स की बात की, फीचर्स मेरे पांच होते हैं। पहला एनीवन, कोई भी, एनी टाइम, एनीवेयर, कहीं भी, कभी भी और कहीं भी, एनी सर्विस और एनी नेटवर्क। तो ये पांच चीज़ें होगी, चार चीज़ों से मिलके थिंग्स बना, पांच फीचर्स हो गए और परिभाषा हो गई इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। अगर आपको ये तीन बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आपको बताया तो आप आराम से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।